आज गुजरात जवाब मांग रहा है भारतीय जनता पार्टी से कि बताओ तुमने 6000 सरकारी स्कूल बंद क्यों किए, बताओ तुमने सारे प्राइवेट हाथों में सरकारी स्कूलों को देने का काम क्यों किया, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी इसका जवाब दो। गुजरात का नौजवान सवाल पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी से कि एक बार नहीं दो बार नहीं मां बाप के पैसे से पढ़ाई करके 22 बार परीक्षा हमने दी लेकिन तुमने पेपर लीक करके हमारे पीठ में छुरा मारने का काम किया। गुजरात का नौजवान इनकी जमानतें जब्त कराने के लिए तैयार है। आज गुजरात के नौजवान से पूछो कि गुजरात में किसकी सरकार चल रही है तो नए जो नौजवान कहता है यहां पेपर लीक सरकार चल रही है, पेपर लीक वाली सरकार चल रही है, दलाली खाकर कमीशन खोरी करके भ्रष्टाचार करके नौजवानों के पेपर लीक किए जाते हैं, उनसे फॉर्म भरवाने का पैसा लिया जाता है, वो परीक्षा देने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाते हैं उसका किराया खर्च करते हैं, होटल में रहते हैं उसका पैसा खर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं मेहनत करते हैं परिश्रम करते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलती। लेकिन अमित शाह का बेटा जैसा वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन के करोड़ों रुपए कमाने का काम करता है। तुम्हारे बेटे हजारों करोड़ कमाएंगे और गरीब का बेटा नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाएगा। गुजरात की जनता इसका जवाब मांगती है भारतीय जनता पार्टी से। गुजरात के लोग पूछना चाहते हैं कि बताओ जिस राज्य में 27 साल से शराब बंदी है, जिस राज्य में 27 साल से शराब पर रोक लगी हुई है, जो ड्राई स्टेट है, कैसे यहां जहरीली शराब से 75 लोगों की जान चली गई, इसका जवाब दो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नकली शराब और जहरीली शराब का धंधा क्यों करते हैं, उन 75 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। गुजरात की जनता जवाब मांग रही है भारतीय जनता पार्टी से, सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि मोरबी में हमारे वो 50 मासूम बच्चे जिनकी जान चली गई उनका कसूर क्या था, उनकी गलती क्या थी, वो 150 लोग जिनकी जान चली गई उनकी गलती क्या थी। जानते हो भाइयों और बहनों उनकी गलती क्या थी, उनकी गलती यह थी कि उनको नहीं मालूम था कि जिस पुल पे वो चलने जा रहे हैं वो पुल कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, वो पुल घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल का ठेका दिया गया, 2 करोड़ का ठेका दिया गया, मात्र 12 लाख रुपए उस पुल के निर्माण में खर्च हुआ, बाकी पैसा डकार लिया गया। आज तक कंपनी के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं है और 150 हमारे गुजराती भाई बहनों की बच्चों की जान चली गई। मैं वादा करता हूं आपसे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उसके गुनहगार जेल के अंदर होंगे, उनको सजा मिलेगी। गुजरात का किसान जवाब मांग रहा है कि हमारे फसल का दाम हमको क्यों नहीं मिलता, आंगनबाड़ी वाली हो चाहे हमारे शिक्षक हो चाहे हमारे तमाम अस्थाई कर्मचारी हो, वो पूछना चाहते हैं कि सालों साल से हम कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, हम मानदेय पर हैं, हमको परमानेंट कब किया जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं भरोसे का एक ही नाम है, गारंटी का एक ही नाम है जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसको गुजरात में लोग गारंटी मैन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, क्या कह रहे हैं, जोर से बोलिए। और भाजपा वाले क्या हैं, जुमला मैन। भाजपाई जुमला पार्टी है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी गारंटी पार्टी है। हम जुमला नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते, हम जो कहते हैं वो गारंटी देने का काम करते हैं। और आपसे कहना चाहते हैं 8 दिसंबर को जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो अपने घर में जितना बिजली का बिल है उसको फाड़ कर फेंक देना और वो फाड़ा हुआ बिजली का बिल इकट्ठा करके रखना। इस बार होली के महीने में
मार्च के महीने में मनोज सोरतिया के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ होलिका में हम अपने बिजली का बिल जलाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी।